देखिए आपको सुनकर बड़ा, अगर मुझे तो भाई इतना आश्चर्य हुआ, क्या बताऊँ, जो पहला लिटरेरी थियरिस्ट अरब में है खुदामा इब्न जाफर, उसकी किताब 940 की लिखी हुई है, आज से 12-13 कितने गिन लीजिए कितने बरस, बहुत बहुत बरस हुए 940 की किताब उसकी, नकदुश शेर क्रिटिसिज्म ऑफ पोइट्री, उसमें लिखता है साहब पोइट्री के लिए तीन चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि मेट्रिकल हो और जानबूझ के कही गई हो कि हम पोएम कह रहे हैं, यानी बच्चे ने गाना गा दिया हाँ शायर बन गया, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। आपने इंटेंड की होगी आप पोएम कहेंगे, मेट्रिकल हो, इंटेंडेड हो और उसमें मानी हो, शुड बी मीनिंगफुल। बाद में उसी किताब में देखिए उस ज़माने की, आज मैं कहूँगा तो लोग मुझे गोली मार देंगे, उस ज़माने में वो ये बात कह रहा है 1940 में कह रहा, धर्म और प्रेम और अच्छी बुरी बात ये सब पोइट्री में नहीं चलती है। पोइट्री या सब्जेक्ट जो भी है वो अगर वो इन चीज़ों को पूरा कर रहा है तो वो पोएम है, चाहे उसमें कोई आपके ख्याल में कोई धार्मिक बात हो कि ना हो। तो हमारे शुरू से ये कहा जाता रहा है कि भाई यू शुड क्रिएट मीनिंग। इसीलिए जो बड़े शायर को हम लोग कहते हैं खलाकुल मानी, द क्रिएटर ऑफ मीनिंग्स। संस्कृत में तो सबसे बढ़ के जो बात कही गई है जिस पे कि सारी पोइट्री का दुनिया भर में दारमदार है, लेकिन हम लोगों ने इसको छोड़ दिया, कि हम ये पूछते हैं कि व्हाट इफेक्ट डज इट प्रोड्यूस, इज ए लिटरेरी वर्क अवार्ड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट थ्रू द वर्ड दैट इट यूजेस। ये भरत मुनि पहली बार कह गए थे, जो पहली किताब हमारे जो पोइट्री की, पहली बार भरत मुनि कह गए थे। एक तो भाव है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, फियर है, जो भी मान लो तुम उसको, प्रेम है, स्नेह है, वट एवर, और एक उसका उसको भी उसको यू पुट इनटू एक्सप्रेशन, जो भी आपका जो ड्रामा हो, वर्ड से जो कुछ भी हो, और उसके बाद फिर वो तो वो भाव जो एब्स्ट्रैक्ट है बिल्कुल। डू यू नो फियर होगा भाई, हमको पता नहीं, हाँ कोई चीज़ होती है लोग फियर करते हैं, हमको भी रात रात को डर लगता था, होगा भाई। तो भाव फिर विभाव, विभाव को कन्वे करने वाला अनुभव होता है,